नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। तीन अलग अलग वैकेंसी बताने वाला हूँ। दो वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी निकली है उसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ मेंशन है। काफी अच्छी जॉब है वो। उसमें सैलरी ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है, आप अपने होम स्टेट में पोस्टिंग ले सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब का ये बेनिफिट रहता है। और एक वैकेंसी हाई कोर्ट में निकली है। तो टोटल तीन वैकेंसी बताऊंगा। तो तीन मतलब एक वीडियो में तीन वैकेंसी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो इनकी लास्ट डेट है पास में है, तो आपका लॉस ना हो। तो इसलिए आप अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो तीनों वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ब्रीफ में बता दूंगा आपको। अगर ढंग से देखा होगा आपने वीडियो विदाउट स्किप करके देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप कमेंट करते हो। आजकल यूट्यूब के कमेंट में देख नहीं पाता, बट मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज मतलब जो मैसेज आता है उनका रिप्लाई करता हूँ। चाहे 2 दिन मतलब डिले चल रहा है मैसेज, उनका रिप्लाई मैं करता हूँ। टाइम लगता है मुझे, बट मैं रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम के मैसेज को। वो बच्चे जो उन्होंने मैसेज कर रखा है, 2 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, तो ये समझ जाना कि काफी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। जब तक ये चल रहा है इंस्टाग्राम पे तब तक जवाब दे रहा हूँ। जिस टाइम मेरे लिए थोड़ा ओवरलोड मतलब ज्यादा काम हो जाएगा, वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी भी एक एक घंटा लग जाता है मुझे रिप्लाई करने में इंस्टाग्राम के मैसेज में। आप सोच सकते हो, लोगों को लगता होगा सर इतने ऑनलाइन रहते हैं इंस्टाग्राम पे, बट रीजन कुछ और है ऑनलाइन रहने का मेरा। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में है। इसमें 410 पोस्ट है, और असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट स्टेट ऑफ झारखंड की पोस्ट है मतलब। और 25,000 से 80,000 के आसपास सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चाहे बीए कर रखी हो, एलएलबी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो तो कर सकते हो। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चे जुडिशरी को काफी टाइम से दे रहे हैं, 3 4 बार दे दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इन जॉब के पास मतलब ये जॉब भी कर सकते हैं कोर्ट में। और इसका बेनिफिट ये रहता है कि कई ऐसी पोस्ट आती हैं जैसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनमें इन जॉब मतलब इन जॉब वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर जो फ्रेशर है वो ना करे चाहे, बट जो काफी टाइम से हो गए जुडिशरी में मतलब अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, तो इन जॉब का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और काफी अच्छा नंबर है, 410 वैकेंसी है। अब बात करते हैं अपन सेकेंड वैकेंसी की। सॉरी, इसका मैं वो बता दूं फीस क्या है। 500 रुपए फीस है झारखंड वाले की, और 125 रुपए है जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। अब आगे चलते हैं। सेकेंड वैकेंसी है स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है, और इसमें जूनियर कंसल्टेंट जनरल की पोस्ट है। 5 वैकेंसी है, तो लॉ वाले इसको फिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका मैं ब्रीफ में बता दिया आपको, मैंने डिटेल में नहीं किया। इसकी डेट बता देता हूँ मैं आपको, 5/4/2024 है स्टार्टिंग डेट, और 20/4/2024 है इसकी क्लोजिंग डेट। और झारखंड वाले की डेट बता देता हूँ मैं, 10/4/2024 से स्टार्ट है और 9/5/2024 लास्ट डेट है उसकी। 9/5/2024 लास्ट डेट है झारखंड वाले की। तो दो वैकेंसी बता दी। अब ये वाली वैकेंसी काफी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इसमें सैलरी भी काफी अच्छी है और फैसिलिटी भी काफी अच्छी है, रैंक भी काफी अच्छी है, और इसमें एग्जाम सेंटर आपके स्टेट में आ जाएगा, काफी जगह एग्जाम सेंटर भी है, परमानेंट जॉब है। और बात कर लेते हैं अपन, देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में आई है, और ग्रेड ए की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। देखो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 28/3/2024 से 21/4/2024 लास्ट डेट है। इस महीने की 21 तारीख लास्ट डेट है इसकी। और देखो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, इसमें आपको कॉल लेटर मिलेगा www.ifsca.government.in। ऑनलाइन एग्जाम फेज 1 होगा मई-जून 2024, फेज 2 होगा, ये बता दूंगा इसका एग्जाम पैटर्न क्योंकि इसमें मेंशन कर रहा है, तो वीडियो ढंग से देखो आप लोग। और फेज 2 जून-जुलाई 2024 में होगा, इंटरव्यू की डेट ये बता देंगे बाद में। इसमें टोटल वैकेंसी 10 है, उसमें 2 पोस्ट लीगल वालों के लिए, फ्रेशर की जॉब है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो फ्रेशर बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। देखो इसमें अपन टोटल 10 पोस्ट है, और इसमें से अदर की 3 है, ओबीसी की 3 है, और एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है टोटल। इसमें लीगल स्ट्रीम अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री इन लॉ साफ मेंशन है। चाहे 3 साल वाली करियो लॉ या 5 साल वाली करियो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसको। एज लिमिट बता देता हूँ आपको, 30 साल है एज लिमिट इसमें, और एज रेस्ट्रिक्शन भी है 5 साल का एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और 3 साल का ओबीसी के लिए है, और इसमें 10 साल का फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए, एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 5 साल का एज रेस्ट्रिक्शन भी है। बड़ी सी फोटो आ रही है, आप लोग देख सकते हो, पढ़ लेना डिटेल में चाहो तो, आपकी इच्छा हो तो। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन,
फेज वन ऑनलाइन एग्जाम, सारी जनरल स्ट्रीम वाला अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन लीगल स्ट्रीम वाला पढ़ेंगे। लीगल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 100 मार्क्स होगा मैक्सिमम, 1 घंटे का पेपर होगा, कट ऑफ 40 रहेगी, 40%। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड फेज की, तो सीधे लीगल स्ट्रीम में आता है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का पेपर होगा, कट ऑफ 40% रहेगी, और वेटेज रहेगा 2/3 वेटेज रहेगी इसकी, और इंटरव्यू होगा। और देखो वेटेज रहेगा इसमें लिखा है, वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन फेज सेकेंड विल बी 85% और इंटरव्यू का रहेगा 15%, हिसाब से मेंशन है इसमें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वापस बता देता हूँ आपको, फॉर्म इसी में जाके पढ़ना है, www.ifsca.government.in। देखो इस वैकेंसी का तो फॉर्म फिल कर देना, दो वैकेंसी सोच के मत करना कि सर दो वैकेंसी हम फॉर्म क्यों, क्योंकि इसमें फेज वन में आपका सिलेबस काफी मेंशन, मतलब जो फेज वन का सिलेबस है ना वो सिमिलर है जुडिशरी के सिलेबस से, तो आप लोग भर, क्योंकि जुडिशरी की तैयारी तो कर ही रहे हो, तो इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हो, तो बेनिफिट ही रहेगा आपका। तो मैं देखो इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 साल का, ये पे स्केल बता रखी है, बेनिफिट्स बता रखे हैं, एजुकेशन अलाउंसेस भी है, बुक ग्रांट्स भी है, ब्रीफ केस भी है, कन्वीनियंस भी है, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस भी है, फर्नीचर स्कीम भी है, कंप्यूटर स्कीम भी है, लंच सब्सिडी भी है, ये सारे बेनिफिट रहेंगे। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया भी, कहीं पे भी रह सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम सेंटर में कह रहा था ना कि जयपुर वालों के लिए जयपुर भी है, हैदराबाद भी है, अहमदाबाद भी है, गुवाहाटी भी है, रायपुर, पुणे, पटना, न्यू दिल्ली भी है, सूरत भी है, तो ये सारे, बॉम्बे भी है, नागपुर भी है, मुजफ्फरनगर, हल्द्वानी भी है, तो काफी जगह एग्जाम सेंटर है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी फीस है देखो, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,000 है, ST ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 100 रुपये फीस है, तो फीस ज्यादा नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की, जो इम्पोर्टेंट है, सिलेबस, सॉरी सिलेबस क्या है। देखो लीगल वाले की बात कर रहा हूँ सीधे मैं, लीगल में देखो फर्स्ट फेज में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जो आप पढ़ोगे, जुडिशरी आरजेएस के लिए भी पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो आरजेएस में भी आएगा, और सीपीसी भी आएगा आरजेएस में, लिमिटेशन भी आएगा, टीपी भी आएगा आरजेएस में, आर्बिट्रेशन नहीं आता आरजेएस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी नहीं आता, ज्यूरिसप्रूडेंस भी नहीं आता, और मैगजीन आएगी, लॉ ऑफ टॉट आएगा, तो सिलेबस फर्स्ट फेज का बहुत कम है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें कोई जीके, रीजनिंग, मैथ्स वैक्स नहीं आ रही, केवल लॉ का पेपर है, तो मिस मत करना, ऐसी वैकेंसियां बहुत कम आती है इसमें, रीजनिंग, मैथ्स ना हो, जीके ना हो, क्योंकि लॉ तो आप कवर कर सकते हो, तो इतने सब्जेक्ट है नहीं, अगर फेज वन आपका क्लियर हो जाए तो सेकेंड फेज के लिए आप जॉब पढ़ सकते हो, और इनमें कंपटीशन ही बहुत कम होता है, हर किसी को पता नहीं चलता ये वैकेंसी आई है कोई, जो बच्चा देख रहे हैं मेरे वीडियो उनको पता चल जाएगा, बट हर किसी को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं चलता। इसमें वेटेज भी दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का 20% रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का 25, को सीपीसी का 25, लिमिटेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर्बिट्रेशन का 25% रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस, इंपोर्ट मैगजीन का 20, लॉ ऑफ टॉट का 10% रहेगा, वेटेज ही बता रहेगा। फिर सेकंड में क्रिमिनल लॉ में इंडियन पिनल कोड आएगा और सीपीसी आएगा, पुराने वाले मेंशन है, 30% वेटेज रहेगा। लॉ ऑफ एविडेंस भी पुराना वाला मेंशन है, उसमें 30% वेटेज रहेगा। कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्ट कोड 2016, इसका 30% रहेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, इंश्योरेंस एक्ट आएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आएगा, सिक्योरिटी एक्ट आएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट आएगा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट भी आएगा, सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट भी आएगा, डिपोजिटर एक्ट भी आएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट भी आएगा, फॉरेन एक्शन मैनेजमेंट एक्ट भी आएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट भी है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट भी है, पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम एक्ट भी है, पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट एक्ट भी है, और ये रेगुलेशन एक्ट भी है, और इसका वेटेज 40% रहेगा सबका। तो काफी देखो सेकेंड फेज का सिलेबस थोड़ा आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, बट देखो इसमें जीके मैक्स नहीं आ रही, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। प्लस पॉइंट यही है आपका कि जीके मैक्स नहीं है इसमें, रीजनिंग भी नहीं है, केवल लॉ लॉ का है, तो लॉ तो पढ़ सकते हो आप, और कई एक्ट तो ऐसे बहुत छोटे छोटे होते हैं आप पढ़ सकते हो। बाकी जो बैंकिंग की तैयारी करता है लॉ ऑफिसर, तो उन्होंने ये पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ठीक है, मैंने बता दिया आपको 3 वैकेंसी है, तो लास्ट वाली वैकेंसी को तो बिल्कुल अप्रोच करना, चाहे 2 वैकेंसी को अप्रोच करो ना करो, बट लास्ट वाली वैकेंसी को बिल्कुल अप्रोच करना। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन दबा दो, अगर
किसी को लॉ की वैकेंसी पता करनी है तो इस चैनल पे आती है। अपकमिंग वैकेंसी हो लॉ से रिलेटेड इस चैनल पे बताता हूँ मैं। सिविल जज की वैकेंसी हो इस चैनल पे बताता हूँ। सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी हो तो सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग डालता हूँ मैं। एडवोकेट की लाइफस्टाइल देखनी हो तो सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग अपलोड करता हूँ। खुद एडवोकेट हूँ, मेरे घर में जज है तो मैं कभी घूमने जाता हूँ तो उनके व्लॉग भी अपलोड कर देता हूँ। तो काफी कुछ आता है इस चैनल में और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। इंस्टाग्राम आईडी आ रही, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना मुझसे, फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते आप मैसेज करते तो फॉलो भी कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।